नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केम की स्प्रिंग और इसके जो बिट लगते हैं आपको हम पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, दोस्तों इसकी कमी से आपको देखते होंगे इंजन कभी एकदम से तेज़ भागता है और कभी कभी एकदम से दब जाता है और धुआं देकर उठता है और बैठता है। इसको दोस्तों अप डाउन भी कहते हैं कि इंजन अप डाउन कर रहा है। दोस्तों इससे इंजन की स्पीड भी कम ज़्यादा होती है, डीजल भी ज़्यादा लेता है और जिस काम पर लगा होता है, अल्टरनेटर पर हो या फिर पानी पर हो या चक्की पर हो, कहीं पर भी लगा हो तो वो काम नहीं हो पाता है। दोस्तों ये कमी केवल इसी होती है, कैमशाफ्ट की होती है। दोस्तों इसकी आज हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखते रहें। दोस्तों ये जो ये इसको कहीं कहीं पर टी बोला जाता है, कहीं कहीं पर तकली बोला जाता है। दोस्तों ये टूट गई थी, वो जो पुरानी रखी हुई है इसमें हम नई डाल रहे हैं। ये है बेड, इसके बेड में जो लाग लगते हैं दोस्तों तो एक दूसरे के अपोजिट लगता है, एक इधर होगा लेफ्ट होगा एक राइट होगा, उसके जो लाग लगने वाले छेद होते हैं एक ही दिशा में नहीं होता है, नहीं निकल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक इस साइड में है, उस साइड में है, एक लेफ्ट एक राइट में। ये चीरा पिन है दोस्तों, ये ज़रूर डालना चाहिए, अगर ये बेड खुल गए तो फिर इंजन चलते चलते तुरंत ही बंद हो जाएगा और आपके बेड भी टूट सकते हैं अगर चलते चलते ये लाग निकल गया। दोस्तों बेड की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये दोस्तों इंजन अप डाउन कर रहा था, एक स्पीड में नहीं चल रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा अप डाउन कर रहा था, एकदम से लो हो जाता था फिर एकदम फुल स्पीड ले लेता था। और ये दोस्तों तेल भी ज़्यादा ले रहा था और ये पानी पर इंजन चलता था तो ये पानी भी नहीं सही से दे रहा था, क्योंकि इसकी स्पीड एक सामान्य नहीं चलती थी इसलिए पानी भी सही नहीं दे रहा था। ये बेड स्प्रिंग होती हैं दोस्तों, ये लूज हो जाती हैं तब भी जो है आपका इंजन गड़बड़ करने लगता है, इसलिए अगर लूज स्प्रिंग हो जाए तो फिर बदल देना चाहिए। ये है पुसराड़ दोस्तों, ये पुसराड़ और जो तकली होती है जिसे टी भी बोला जाता है उसके बीच में एक छर्रा होता है। दोस्तों ये जो बेड होते हैं ये फैलते हैं तब पंप असेंबली पर जाता है, असेंबली फिर जाकर पंप को कंट्रोल करता है। इसका वीडियो पहले से हमारा पड़ा हुआ है कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।